असलम स्टूडेंट्स आज के लेसन में हम क्लास अलेवेंथ इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करेंगे सो वी विल है कम्पलीट वर्क थ्रू ऑफ दिलेबस फॉर द एनअल एग्जामिनेशन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिलेबस इज फैक्ट्स एंड एनॉलजीज तो फैक्ट बेसिकली कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है विच इज ऑलवेज ट्रू एंड एनॉलॉजी इज द कम्पेरिजन बिटवीन टू थिंग्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस एंड सिमिलेरिटीज बिटवीन दैम तो एनोलॉजी में हम दो चीज़ों को उनमें डिफरेंसेज और सिमिलरिटी की बुनियाद पर कंपेयर करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ द सिलेबस इज प्रो नाउन एंटेसीडेंट रिलेशनशिप तो बेसिकली तो प्रो नाउन एंडेसीडेंट रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब भी कोई प्रो नाउन किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है तो अगर वो प्रोनाउन नाउन के बाद आएगा तो हम नाउन को उस प्रोनाउन का एंटेसीडेंट कहते हैं तो किसी भी नाउन का उसके प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है ये हम प्रोनाउन एंटेसीडेंट रिलेशनशिप में स्टडी करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज एनाफोरिकटाफोरिक एंड रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में भी यही होता है कि जब कोई प्रो नाउन किसी नाउन को रेफर करने के लिए यूज होता है तो अगर वो नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा तो उसे हम एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं और अगर प्रो नाउन पहले आए और नाउन बाद में आए तो उसे हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं और अगर जो प्रो नाउन यूज हुआ है वो किसी ऐसे नाउन के लिए यूज हो कि जो कि गिवन स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो उसको हम एक्सोफोरिक एक रेफरेंस कहते हैं फिर है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस एंड देयर टाइप्स तो ट्रांजिशनल डिवाइस बेसिकली क्या होती हैं ये ऐसे वर्ड या फ्रेज होते हैं कि जो हमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं अब ट्रांजिशनल डिवाइस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं लाइक ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन कंपेरिजन एग्जाम्पल कॉज एंड इफेक्ट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉनर ऑफ लिटरेचर तो जिसमें हम लिटरेचर की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं लाइक फिक्शन नॉन फिक्शन पोइट्री लेजेंड एंड वन एक्ट प्ले एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस इज एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन और एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन में हम स्टडी करते हैं सेटिंग कैरेक्टर्स प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट, थीम, टोन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिम्बलिज्म एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फिगरेटिव लैंग्वेज जिसमें हम डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं तो फिगर्स ऑफ स्पीच या फिगरेटिव लैंग्वेज में वर्ड्स को उनके लिटरल मीनिंग से हटकर यूज किया जाता है सो वर्ड्स आर यूज आउट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग्स तो फिगर्स ऑफ स्पीच कई टाइप्स के हैं लाइक मेटाफर सिमिली, परसोनिफिकेशन एलिट्रेशन इमेजरी एनाफोरा हाइपरबली एसोनेंस कॉन्सोनेंस अनोमेटोपिया एनजेमेंट एंटीथीसिस पैराडॉक्स ऑक्सीमोरॉन एंड आयरनी तो ये डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हम स्टडी करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉनोटेशन एंड डीनोटेशन कॉनोटेशन में हम वर्ड्स के कंटेक्चुअल मीनिंग्स को देखते हैं जबकि डी नोटेशन में वर्ड्स के लिटरल मीनिंग्स या डिक्शनरी मीनिंग्स की बात होती है द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ नाउन्स वो टाइप्स ऑफ नाउन्स में हम स्टडी करते हैं कलेक्टिव नाउन्स Countable and uncountable nouns, material and abstract nouns. So, we also study different types of pronouns like personal pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, interrogative pronouns, and possessive pronouns.

और फिर वर्ब से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट जो है वो हैं जेरेंट्स एंड इनफेनेटिव सो so नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को स्टडी करते हैं और फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स और एडवर्ब्स में हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम adverbs of place adverbs of manner adverbs of frequency and adverbs of degree ko study karte hai. so we also study different types of prepositions like prepositions of position prepositions of time prepositions of movement and prepositions of direction the next very important topic that we have is फ्रेजेज एंड देर टाइप्स फ्रेज बेसिकली ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज नहीं होते और ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता अब फ्रेजेज की डिफरेंट टाइप्स में हम स्टडी करते हैं नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज एजेक्टिव फ्रेज एडवर्ब फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज जेरेंट फ्रेज पार्टिसिपल फ्रेज एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉज एंड देर टाइप्स अब क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज होते हैं अब क्लॉजे की डिफरेंट टाइप्स हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज अब इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है और ऐसा क्लॉज जो कम्प्लीट सेंटेंस नहीं बनाता उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो आगे डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स को हम स्टडी करते हैं नाउन क्लॉज एजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ़ सेंटेंसेस। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम स्टडी करेंगे सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लाजेस जो हैं वो ज्वाइंट होते हैं बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइंट होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ ज्वाइंट होता है नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल सेकेंड कंडिशनल एंड थर्ड कंडिशनल सेंटेंसेस तो हर कंडिशनल सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं टू क्लॉजेज होते हैं एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है तो जीरो कंडीशनल में दोनों क्लॉजेज जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होते हैं जबकि फर्स्ट कंडिशनल में जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में होता है सेकेंड कंडीशनल में जो इफ क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में होता है और मेन क्लॉज जो है उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड कंडीशनल में जो इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और मेन क्लॉज में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो टेंसेस आपको पता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वैसे तो तमाम टेंसेस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्लास एलेवेंथ इंग्लिश में लेकिन हम ज़्यादा फोकस हमारा होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस तो इनको हम स्टडी करेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी टेंसेस पर बेस्ड होती हैं फिर हम स्टडी करते हैं फ्रेजल वर्ब्स तो फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पे प्रपोजिशन डिफरेंट लगे होते हैं और किसी भी वर्ब के एंड पे डिफरेंट प्रपोजिशन लगाने से उसके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं तो ऐसे वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं हम एक्टिव एंड पेसव वाइस को स्टडी करते हैं और फिर रेजूमे या सी वी राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का फिर इसी तरह एप्लीकेशन राइटिंग होती है और फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है तो एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग इन दो में से कोई एक चीज जो है वो आपने एग्जाम में करनी होती है इसी तरह ट्रांसलेशन इनटू उर्दू और डायलॉग राइटिंग है तो इनमें भी चॉइस होती है या तो आपने उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है या डायलॉग राइटिंग करनी होती है पेपर में सो दिस वॉज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ टू